हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग से यानी बर्थ के टाइम से ही डायपर पहना सकते हैं या नहीं पहना सकते हैं। बहुत लोगों का ये सवाल होता है, खासकर गांव वगैरह में ऐसा माना जाता है कि अगर आप डेली डायपर बच्चे को पहनाते हैं, डेली कह लीजिए या मतलब 24 घंटे कह लीजिए, तो बच्चे की स्किन को बहुत नुकसान होता है, उसमें रैसेस पड़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने अपने बेबी को तो स्टार्टिंग से ही डायपर पहनाया है। बस डिपेंड करता है कि हम अच्छी क्वालिटी का डायपर लें और टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहें। एक बिल्कुल नॉर्मल नियम है कि आप हर बच्चे का डायपर 3 घंटे पे आप चेंज कर दीजिए अगर बच्चा ज़्यादा सूसू करता है। इस बात को नोट करिएगा, अगर बच्चा ज़्यादा सूसू करता है तो आप 3 घंटे पे नहीं, उससे पहले आपको डायपर चेंज करना पड़ेगा। ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे का डायपर किस टाइम पे ओवरलोड हो रहा है। अगर बच्चा ज़्यादा सूसू कर रहा है तो 1 घंटे या 2 घंटे में भी आपको चेंज करना पड़ सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार सूसू किए उसके बाद उनको इरिटेट होने लगते हैं उसी डायपर पे, तो आपको एक बार के सूसू के बाद ही आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमको बच्चे को कौन सा डायपर पहनाना चाहिए, कौन सा अच्छा है और कैसे पहनाना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि आप हर 3 घंटे में, और अगर ज़्यादा सूसू करता है तो 1 से 2 घंटे में आपको डायपर चेंज करना पड़ेगा। आप अगर कॉटन वाली नैपकिन पहनाते हैं तब भी आपको जैसे ही बच्चा सूसू करेगा आप चेंज करते हो, तो वही चीज़ समझिए डायपर में भी। अब आपको हम बताते हैं कि डायपर कौन सा अच्छा है। एक तो आप पैम्पर्स का डायपर यूज कर सकते हैं, उसके भी डायपर काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं आपसे तो मुझे पैम्पर्स का नहीं पसंद आया, मुझे टोटली हगेज का ही डायपर पसंद आया। मैंने ज़्यादातर तो सारे ब्रांड्स के डायपर यूज करके देखे हैं लेकिन मुझे हगेज का ही पसंद आया। तो मेरे पास तो अभी हगेज का डायपर छोटा वाला नहीं है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हगेज का डायपर है। इसको मेरे पास अभी लार्ज है, ये हगेज का डायपर है, वंडर पैंट्स बबल बेड। बबल बेड वाला आप लीजिए, हगेज के भी और भी कई सारे आते हैं लेकिन मुझे ये बबल बेड वाला ही पसंद आया। ये 12 घंटे के लिए इसमें शो करता है और कॉटनी सॉफ्ट है, बबल बेड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक डायपर ओपन करके, ये देखिए ये कुछ ऐसे दिखता है। इसमें लिखा होता है, ये देखिए यहाँ पे फ्रंट लिखा हुआ है और इधर साइड बैक लिखा हुआ है। इससे हमको पता चलता है कि हमको किस साइड फ्रंट में पहनाना और किस साइड बैक में। तो आपको बताती हूँ इसकी खासियत, ये देखिए मैं आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें छोटे छोटे से बबल बने हुए हैं, इसमें ढेर सारे बबल्स बने हुए हैं और इसकी वजह से एब्जॉर्बेशन इसका बच्चे का सुसु जैसे करता है तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। बाकी मैंने पैम्पर्स का डायपर यूज किया था, जैसे ही बेबी मेरा एक बार सुसू करता था वो ओवरलोड होके साइड साइड से लीक करने लगता था, उसके सारे कपड़े ख़राब हो जाते थे, तो इसलिए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर पोटी करता था तो यहाँ ऊपर से बाहर हो जाता था। और ये की डायपर है जिसमें आपको 3 घंटे आराम से बच्चा एकदम सेफ महसूस होगा, अब उसको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। और रही बात रेसेस की, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि रेसेस क्यों पड़ते हैं। तो एक बात और आपको बताना चाहूँगी, आपको डायपर पहनाना कैसे है बच्चे को। जब भी आप बच्चे को डायपर पहनाइए उसको अच्छे से जब क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद आप कॉटन के कपड़े से अच्छे से उसके पैर के जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको कॉटन के कपड़े से ऐसे थपथपी देके सुखवा लीजिए, गीले में बिल्कुल मत पहनाइए। कुछ लोग होते हैं, कुछ पेरेंट्स जो बच्चा सुखवा तो देते हैं उसके पैर को, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सब जगह सुखवा देंगे लेकिन बिना कुछ लगाए उसको डायपर पहना देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी तरह स्किन में जाके एकदम चिपक के बैठ जाता है और बच्चे को इरिटेशन होने लगती है।
और उसे रेसेस होने की भी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे को। तो आपको क्या करना है, जब आपने बच्चे को अच्छे से सुखा लिया, थोड़ी देर उसको खुला छोड़ दीजिए ताकि वो आराम से रिलैक्स होकर खेल सके। उसके बाद आप या तो रेसेस क्रीम या कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो भी आप यूज कर सकते हैं, फिगारो या फिर कोई भी क्रीम, बेबी लोशन, जो भी आप यूज करते हैं बच्चे के लिए, वो आप बच्चे को लगा दीजिए अच्छे से, उसके बैक साइड भी, फ्रंट साइड भी, पैरों के बीच में। उसके बाद आप डायपर उसको पहनाइए। इससे क्या होगा, एक लेयर बन जाती है क्रीम की, जिससे बच्चे को जब हम डायपर पहनाते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो आराम से, ये पोर्शन जो होता है ये बच्चे के स्किन में एकदम चिपक के नहीं बैठता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी बच्चे को पहनाइए डायपर, तो ऐसे साइड से उंगली डाल के उसकी सुसु को नीचे कर दीजिए, क्योंकि जब हम पहनाते हैं उसकी सुसु ऐसे ऊपर खड़ी हुई होती है, और अगर खड़ी रहेगी तो जैसे ही सुसु करेगा पूरा ऊपर साइड ही उसका सुसु आ जाता है। तो इसलिए आप उसकी सुसु को हल्का सा नीचे कर दीजिए, ताकि जब भी वो करे तो पूरा इस डायपर पे यहाँ पे आ जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से मैं आपको यही कहूँगी, हगीज का डायपर, वो भी बबल बेड वाला। और बाकी कई सारे ब्रांड्स आते हैं, एक हिमालय का आता है, हिमालय का भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसमें मुझे एक चीज़ नहीं पसंद आती, उसका ये जो पोर्शन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो बच्चा जैसे एक ही बार शुसू करता है वो ओवरलोड होके नीचे ऐसे पूरा झुक जाता है, नीचे लटकने लगता है। तो बच्चा जब चलता है तो उसको चलने में दिक्कत होती है, या फिर वो ऐसे पैर पूरे जुड़ नहीं पाते, ऐसे उसके फैले रहते हैं, तो इस वजह से बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने तो काफ़ी कुछ यूज किया था, तो इस वजह से मुझे जो पसंद आया, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप एक बार ये वाला यूज करके ज़रूर देखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।